गुड मॉर्निंग ग्लोबल लिसनर्स, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक टाइटल जो मैं एशियन कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसमें एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जाते हैं, इनसे कहूँगा कि वो प्रतिभा को पालें, न्यूट्रिशन टू टैलेंट। लोग दौड़ लगा रहे हैं पढ़ाने के लिए, इलाज करवाने के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग, बड़े बड़े नेता, नौकरशाह यूरोप और अमेरिका जैसे देशों पहुंच रहे हैं। फर्क सिर्फ यही है, उन लोगों ने प्रतिभा को पाला। मैनेजर, मास्टर, डॉक्टर, साइंटिस्ट जो उनको दमदार लगा, टैलेंटेड लगा, एक्सीलेंस वर्क को उन्होंने वर्शिप टू एक्सीलेंस वर्क, वर्शिप टू ट्रेड्स, रिकॉग्नाइज टू ट्रेड्स। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, सब कंटिनेंट योग्य लोग में भरमार से भरे पड़े हैं। सच्चाई है, श्रीलंका भी शामिल है। बांग्लादेश की आबादी भी कहीं ज़्यादा रूसिया से ज़्यादा बड़ी है, इंग्लैंड से करीब 6 गुनी है और हमारी तो कोई तुलना ही नहीं है। हम इंग्लैंड से 27-28 गुना ज़्यादा बड़े हैं। एक परिवार में एक बेटा, एक में 28 बेटे हों, एक बार सोच कर देखिए। और प्रकृति और रहने के लिए भारत जहाँ न ठिठुरन है यूरोप जैसी और न अफ्रीका जैसी तप जो लोगों को झुलस दे, न ऐसी ठंड जो लोगों को सिकुड़ दे। दुनिया के आने का क्रम भारत में शुरू हो, गली मोहल्लों में घूमते दिखाई दें सेवक और एक सुंदर बगीचा बने। ये कहाँ से बात आ गई कि जहाँ लोगों को आना था, ये स्थिति हमारे जैसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी है। बांग्लादेश की राजधानी भी 1,40,00,000 आबादी का शहर है, व्यापार जगत का गढ़ भी रहा है, ढाका की मलमल, और चाइना भी जानता है कि भारत के पास बहुत बड़ी उपजाऊ भूमि है, उसका बंजर एरिया जरूर है तिगुना, परंतु उसके पास वो संसाधन नहीं है जो हमारे पास। हमने सिर्फ एक कमी की, बादशाह और अंग्रेजी दौरान बादशाहों की नीतियाँ और भी गिरी हुई थी। मुगल काल में उन्होंने महिलाओं की सौदागरी और धर्म परिवर्तन जैसे नीच कार्य की। अंग्रेजों ने अवसरवाद भारतीयों को पाला, जो लोग भारतीय समाज, भारतीय वीर और भारत माता की जो छुरा घोंपते थे उनको उन्होंने आगे बढ़ा दिया, उनको जेलदार थानेदार बना दिया। जितना बड़ा गद्दार उतना बड़ा मालदार, अंग्रेज़ों की कंसेप्ट आई थी कि जितना गद्दार भारतीय है, जिसको अपने वतन से, अपने समाज से, अपने इस सरजमी से जिसको लगाव नहीं है, गद्दारी कर सकता है, उसको बड़ा थानेदार बना दो, हमारा शासन सुरक्षित रहेगा, इन वीरों को वही कुचल देगा। और ऐसे गद्दारियां मिले भी, आज भी पहचानना है। भारत माता के नारे विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लोग, लोगों की शक्ल और सीरत के लोग ने लगा दें, कभी हमसे धोखा कर दें, उनके गले से ऊपर नहीं, खून में भारत माता के प्रति लगाव, अगाध आस्था, समर्पण, जोश होना चाहिए।
गले से ऊपर किसी दुकानदारी के लिए नारे न लगा रहा कोई चोर, ये हमें आज भी देखना होगा। और इस प्रतिभा ब्रेन ड्रेन बार बार शीर्षक तो लिखेंगे, यूनिवर्सिटी में बच्चों का आ गया कि ब्रेन ड्रेन बड़ी शर्म की बात है, लोग उस बात को स्वीकार करते हैं, चूल्हों भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, ब्रेन ड्रेन स्वीकार खुद करते रहे उनको शर्म आनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि ब्रेन ड्रेन नहीं होने देंगे, ये पिछले बहुत समय से जारी है, उसे मैं मांग भी करता हूँ सभी राजनीतिक दलों से, विश्वविद्यालयों से और समाज से भी, समाज भी एक चेतना जागृत करे कि उधर ना जाएं। और शासन से मैं कहूँगा कि ऐसे गद्दारों को जूते मारे जाएं, जब को बताया जाए कि ये सबसे अमुक प्रतिभाशाली बच्चा है, ये अमुक अध्यापक है, सबसे प्रतिभाशाली शिक्षक है, मैनेजर है, ये खिलाड़ी है जो देश का समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता है, और उपायुक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा ये कहना कि मैं क्या करूं, ऐसे उपायुक्तों को जूत मारनी चाहिए, मैं खुले मन से कह रहा हूं। वह अंग्रेजों की औलाद है, प्रतिभा के लिए मैंने स्वयं देखा एक उपायुक्त को ऐसे कहते हुए, निज किस्म के उपायुक्त को, जिसने कहा मैं क्या करूं, ऐसे व्यक्ति क्या जिले में सुधार लाने की स्थिति में आप स्वयं सोच सकते हैं। प्रतिभा को नकारने वालों को खुद नकार दें और राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें। आज के युवाओं से मैं कहूँगा, अध्ययन के द्वारा राष्ट्र के लिए उस करने के लिए सोचें, मैं क्या आविष्कार करूँगा जिससे मेरा देश विश्व में अपना प्रभाव दिखा पाएगा, मेरे देश के लोगों का भला हो पाएगा। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जिनको कोई देश से लेने देना नहीं है, उनसे लेने देना हमें भी नहीं है। जाएं और कभी लौट कर ना आए। हम उन विदेशियों को बुलाते हैं, एनी बेसेंट जैसे, मैडम जैसे लोगों से, मदर टेरेसा जैसे लोगों से, जो हम लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य देना चाहते हैं, जो भारत माता से लगाव रखते हैं, जो इस पर जीवित रहना चाहते हैं, अपने वहाँ से दुखी हैं, उस व्यवस्था के लोगों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। भारत सरकार से मैं ये प्रार्थना करूँगा वो सिटीजनशिप बढ़ाए, अगर इंग्लैंड से अमेरिका से अगर कोई नागरिक यहाँ आना चाहे वहाँ का भी, दैट शुड बी वेलकम्ड बाई इंडिया। वो यदि कुछ यहाँ नई जान फूकने के लिए जितने लोग आना चाहें, अभी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी लोग भारत में बसना पसंद करते हैं, आएँ और हमारे राष्ट्र की मजबूती को प्रदान करें, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करें। और जो लोग जा रहे हैं उनसे पुनः प्रार्थना करूँगा कि भावेश में ना आकर ना जाएं और अपनी प्रतिभा दम पर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। धन्यवाद।